ट्राइकोडर्मा एक जैविक कवकनाशी है जिसका उपयोग पौधों में विभिन्न प्रकार की रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। ये पौधों के जड़ क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हैं, अर्थात इनकी उपस्थिति पौधों के जड़ क्षेत्र पे होती है। ये मिट्टी में अपूर्णता पाए जाते हैं जो प्राकृतिक तौर पे या संश्लेषित तौर पे भी हो सकता है, जो प्रायः कार्बनिक अवशेषों पर अपना जीविका निर्भर करते हैं। इसकी दो प्रजाति विशेष रूप से प्रचलित हैं, जिनमें प्रथम है ट्राइकोडर्मा विरिडी और दूसरा है ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कृषि दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। यह एक कवकनाशी है जो विभिन्न प्रकार के कवक जनित रोगों को रोकने में मदद करता है। इससे रासायनिक कवकनाशी के ऊपर जो निर्भरता किसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही है उसको कम किया जा सकता है। इसका उपयोग प्रमुख रूप से रोगकारक जीवों की रोकथाम के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग रासायनिक रूप से सुरक्षित एवं प्राकृतिक रूप से दुष्प्रभाव को देखने को नहीं मिलता। ट्राइकोडर्मा एवं रोग नियंत्रण। ट्राइकोडर्मा मुख्यतः एक कवकनाशी है जो रोग उत्पन्न करने वाले कवकों जैसे फ्यूजेरियम, पीथियम, फाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोशियम, स्क्लेरोटिया एवं अन्य मृदा जनित बीमारियों को रोकने एवं उनके वृद्धि को मारकर खत्म करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा कुछ सूत्रकृमि को रोकने में भी मदद करते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार से रोग कारकों की वृद्धि को रोकता है। प्रथमतः यह होता है कि इनके बॉडी से कुछ ऐसे एंसी टॉक्सिजन रिलीज होते हैं जिससे कवक जनित जो कवक रहते हैं, जो हानिकारक कवक है, उनको वो मार देते हैं। दूसरा, यह प्रकृति में रोग कारकों पर सीधा आक्रमण कर अपना भोजन बना लेते हैं एवं उन्हें अपने विशेष एंजाइम जैसे काइटिनेज बीटा 1-3 ग्लूकोनेज द्वारा तोड़ देते हैं। इस प्रकार रोग कारक जीवों की संख्या तथा उससे होने वाले दुष्प्रभाव को कम करके पौधों की रक्षा करता है। यह पौधों में उपस्थित रोगरोधी जीन्स को सक्रिय कर पौधों की रोग कारक क्षमता को आंतरिक रूप से बढ़ाते हैं। ट्राइकोडर्मा के लाभ। यह रोग कारक जीवों की वृद्धि को रोकता है या उन्हें मारकर पौधों को रोग मुक्त करता है। दूसरा, यह पौधों में रोग कारक के विरुद्ध तंत्रगत अधिकृत प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। तीसरा, यह मृदा में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को बढ़ाता है, अतः जैव उर्वरक की तरह काम करता है। चौथा, यह पौधों में एंटीऑक्सीडेंट गतिशीलता को बढ़ाता है। टमाटर के पौधों में ऐसा देखा गया है कि जहाँ तक ट्राइकोडर्मा डाला गया है उन पौधों में फलों में पोषक तत्वों की गुणवत्ता अन्य की अपेक्षा कहीं ज्यादा थी। ट्राइकोडर्मा प्रयोग करने में सावधानी। ट्राइकोडर्मा एक कल्चर है जिसको प्रयोग करने में कुछ महत्वपूर्ण सावधानी को रखा जाना चाहिए, जैसे कि ट्राइकोडर्मा कल्चर को उचित एवं प्रमाणीकृत संस्था से ही लेवे। दूसरा, कल्चर का फॉर्मुलेशन 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तीसरा, बीजों में बीज उपचार करने के लिए छायादार एवं शुष्क स्थान पर चयन करें। ट्राइकोडर्मा के साथ साथ अन्य कवकनाशी रसायन का प्रयोग ना करें। पांचवा, ट्राइकोडर्मा के प्रयोग के 4 से 5 दिन के पश्चात रासायनिक कवकनाशी का प्रयोग ना करें। छठवा, सूखी मिट्टी में ट्राइकोडर्मा को न डालें, इससे उसके विकास में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न हो सकती है। सातवा, ट्राइकोडर्मा उपचारित बीजों को सूर्य की रोशनी में सीधे न रखें। आठवा, कार्बनिक खाद में मिलाने के बाद इसे लंबी अवधि के लिए न रखें। ट्राइकोडर्मा उत्पादन के बाद उत्पादित पदार्थ को रख रखाव। ट्राइकोडर्मा एक कवक है, अतः सामान्यतः 3 से 4 महीने के बाद इनकी संख्या में लगातार गिरावट आती है। समय बढ़ने के साथ साथ इसकी गतिशीलता एवं संख्या ग्राम कम होने लगती है। इससे इसकी गुणवत्ता पर बहुत ही असर पड़ता है, इसलिए पैकेट को अधिक दिन तक न रखें एवं 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही संग्रहित करना चाहिए। लोकल स्तर पर अगर आप संग्रहित करते हैं तो आप एक कमरे में, अंधेरे कमरे में, एक ठंडे जगह पे जहाँ पे ठंडकता आती है वहाँ पे इसके संग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि हमारे आने वाले ट्राइकोडर्मा प्रोडक्शन की थ्योरेटिकल वीडियो एवं प्रैक्टिकल वीडियो को आप देखिए और इसको बनाने के लिए पूरी विधि को सीखें। धन्यवाद।